राष्ट्र का परचम गगन को चूम कर लहरा रहा, वर्तमान अज्ञानता का और भी गहरा रहा। देश की प्रतिभा सराही जा रही है विश्व में, कोटि जनता का हृदय बिन जान के कुमला रहा। कोटि जनता का हृदय बिन जान के कुमला रहा। आइए हम ज्ञान का दीपक जलाएं, आइए अक्षर सुधारस का पिलाएं, हम बचाएं लाज अपने पूर्वजों की, विश्व के गुरु की मिली थी इनको संज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। Sir, the letters are ready, but there are certain queries. Can we just sort it out? Better. सर पहला क्यूरियस तो ये है, सो ये जो वर्कर्स हैं हमारे, ये सिर्फ कैंपेन हमारा सिर्फ वर्कर्स तक ही सीमित है, ये इनके बच्चों को नहीं दिया जा सकता, बिकॉज लॉट ऑफ क्वेरीज आर कमिंग और महाराष्ट्र से भी इंक्वायरीज आ रही है और काफ़ी लोग भी इनको इंक्वायर कर रहे हैं। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना फंड प्रोवाइड कर रही है, उन लोगों के लिए इतने क्लासेज इतने स्कूल चल रहे हैं। आवर टारगेट इज वी आर फोकसिंग ऑन अडल्ट एजुकेशन एक्चुअली, तो हमारे वर्कर्स के ही हमको एजुकेट करना है एंड That's all. बच्चों के लिए तो And number two is sir, क्या ये target मिलों के लिए कोई fix किया गया है? Target as such is not fixed. मगर एक ऐसी बात है कि we want to do this as quickly as possible. और जितने जल्दी हो सके इसको हम लोग शुरू कर दें और कुछ क्लासेस चल भी रहे हैं। ठीक है। Anything else? No sir, nothing. अच्छा, then you please see those letters are signed and are dispatched. As quickly as possible. Sure. Okay. Fine. बाबा चार चार जीरो चार सौ चालीस वे ओ की मात्रा आधा ल ट वोल्ट बाबा अब बात समझ में आई, ये इस पे मुर्दे की फोटो क्यों छपी रहती है? इसमें 440 वोल्ट है, जो छुएगा वो ही मुर्दा हो जाएगा। 440 वोल्ट खतरा। अक्षय क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ तो है, कहीं तो खोए हुए थे। मैं सोच रहा था कि वो दिन कब आएगा जब सब मिल मजदूर पढ़ लिख जाएंगे। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन होगा। तुम्हें मालूम है रिचा, जब मैंने वो रजिस्टर पर अंगूठों के निशान देखे तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई वो निशान मेरे दिमाग पर अंकित कर रहा हो। चलो अच्छा है, जब सब मिल मजदूर पढ़ लिख रहे हैं तो मेरे दिमाग से ये बोझ भी हट जाएगा। अक्षय तुम कितने अच्छे हो, तुमने एक ऐसा मिशन हाथ में लिया है जिस पर
किसी को भी गर्व हो सकता है। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। अक्षय, मेरा बहुत मन है कि मैं एक बार खुद जाकर उन मजदूरों को पढ़ते लिखते देखूं और उनमें आए परिवर्तन को देखूं। हाँ, क्यों नहीं? ऐसा है, मैं शुगर केन क्रॉप्स की स्टडीज के लिए ब्राजील जा रहा हूँ, तो वहाँ से वापस आके प्रोग्राम बना लेते हैं। तब तक रश्मि के एग्जाम भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। अच्छा, क्या क्या है देखने के लिए? तुम्हारे देखने के लिए यहाँ बहुत कुछ है। गन्ने हैं, बैलगाड़ी है, शुगर मिल भी है, और मिल के मजदूर भी हैं। वो तो मुझे भी मालूम है। मेरे कहने का मतलब था कि आसपास कहीं घूमने फिरने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है, ये तो मिस्टर प्रसाद तुम्हें अच्छी तरह बता सकते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। अच्छा, आप लोग बैठिए, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा, मिस्टर प्रसाद, ऋचा को मैं आपके हवाले करके जा रहा हूँ। आप मिस्टर प्रसाद, आप भी इसे अच्छी तरह कैंपेन के बारे में समझा दीजिए। ओके, बाय, टेक केयर, बाय। मिसेस प्रसाद, यहाँ की कॉलोनी में कितने कर्मचारी रहते हैं? करीब 200 परिवार होंगे। आइए रितु जी। मैडम, ये रितु हैं, हमारे सुपरवाइजर मिस्टर दास की वाइफ। अच्छा, नमस्कार। ये हमारी काफी हेल्प कर सकती हैं। ओह, बैठे ना प्लीज। थैंक यू मैम। आप इसी कॉलोनी में रहती हैं? जी हाँ मैम। आपने अभियान के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, मैडम ने मुझे बताया था। तो आप बताइए ना कि हम इसकी कहाँ से और कैसे शुरुआत करें। मैडम, ऐसा करते हैं, पहले हम आपको जाकर के कॉलोनी घुमा लाते हैं। ठीक रहेगा ना? हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है, चलते हैं। अच्छा, आप चाय वाय कुछ लेंगी? नहीं मैम, चाय वाय नहीं। ऐसा करती हूँ, मैं चलती हूँ और जाके कॉलोनी के लोगों को बता देती हूँ कि आप आ रही हैं। ठीक है? ठीक है। अच्छा मैम, नमस्ते। नमस्ते। और बाकी के मजदूर कहाँ रहते हैं? आसपास के गांवों से आते हैं। और वहाँ पर कितनी प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं, खासकर उन परिवारों के जो हमारी मिल से जुड़े हैं? हमारी मिल से तो पूरा का पूरा क्षेत्र जुड़ा है मैडम। कैसे? गन्ने वाले किसान, गन्ने के खेत में काम करने वाले मजदूरों का परिवार, इसके अलावा मिल में काम करने वाले स्थायी अस्थायी मजदूर दूर दूर तक के क्षेत्रों से आते हैं। समझ गए। तो चले कॉलोनी घूम कर आए। जी चल। रास्ते से हम मिसेस दास को भी ले लेंगे। हाँ जरूर, चल चल। Thank you.
प्रसाद, ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाएं पढ़ना लिखना चाहती हैं। आज हम करीब 25-30 महिलाओं से तो मिले ही होंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम सारा का सारा एरिया 3-4 दिन में ही सर्वे कर लें, और उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि क्लासेस कहाँ और कैसे होनी चाहिए। एक प्रॉब्लम आ सकती है कि महिलाओं को पढ़ाएगा कौन। हाँ, क्या हमें ऐसी महिलाएं नहीं मिल सकती जो कि पढ़ी लिखी हो? क्यों नहीं मिल सकती, हमारी मिल की ऑफिसर स्टाफ और सुपरवाइजरी स्टाफ की महिलाएं किस दिन काम आएंगी। That's a brilliant idea. पर क्या वो इतना समय निकाल पाएंगी? निकालना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। आखिर हम ये काम अपने लिए थोड़े ही ना कर रहे हैं, आप ये मुझ पर छोड़ दें। ओके। लगाओ अंगूठे यहाँ पे। अंगूठे लगाओ यहाँ। पहन दीजिए बड़े बाबू। अंगूठा लगाया। पहन दीजिए बड़े बाबू। ठीक है ठीक है, चलो। शुरू शुरू में कई तरह की अफवाहें फैली, लोग डरे कि कहीं हम पढ़ लिख नहीं पाए तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। कुछ मजदूर नेताओं ने भी लोगों को भड़काया, लेकिन धीरे धीरे सब साफ हो गया। अब तो हर मजदूर की जुबान पर चेयरमैन साहब का नाम है, उनकी तारीफ करते नहीं थकते। आइए आइए बैठिए। जागृत तो करना पड़ेगा ऋतु जी, और उसके लिए मुझे आप दोनों की मदद की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर सभी महिलाओं को शिक्षित करने का एक अभियान शुरू करें। मैडम, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि मेरी पढ़ाई लिखाई किसी काम आ सके। अच्छा। मैडम, अच्छा होगा कि अगर आप भी महिलाओं को यहाँ कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए जागृत करें, उन्हें प्रेरित करें, तो कितना अच्छा होगा। कोई रास्ता ही दिखाने वाला नहीं था। अब आप सब लोग इस पवित्र काम की शुरुआत कर रही हैं, मैं भी इसमें जी जान से लग जाऊंगी। देख लीजिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं मेहनत से बिल्कुल नहीं डरती मैडम, आप मुझे जहाँ चाहे लगा दें। बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे घर की कोई चिंता नहीं है। देखिए, बहुत घूमना फिरना पड़ेगा और गाँव तक में जाना पड़ेगा। मैं तो गांवों में ही पली बड़ी हुई, उस समय जब सड़कें भी नहीं हुआ करती थी। हम 10-12 किलोमीटर रोज साइकिल चलाकर कॉलेज जाते थे। सच? मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा गांव में काम करना। ठीक है फिर। ठीक है। अब तेरा क्या होगा बड़े बाबू? अरे अब तो सारे मजदूरी बड़े बाबू बनने को तैयार हैं, तेरी दुकान का क्या होगा? चीनी कितनी डाली है? बात चीनी की नहीं है जनाब। बात किसकी है पता है मुझे? अरे दो अक्षर क्या पढ़ ली गया, मुझे जवाब देना शुरू कर दिया। बात जवाब देने की नहीं है जनाब। बात जवाब देने की है, अगर तू इसी तरह पढ़ता लिखता रहा तो जरूर एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठेगा।
हयात, ए हयात, कहाँ मर गया कंबख्त? पास में ही एक पुराना मंदिर है, आप चलना चाहें तो चलकर देख लें। नहीं वहाँ हम बाद में चलेंगे, पहले मिस्टर प्रसाद को बुला लीजिए, कुछ काम कर लेते हैं। वो बस आने ही वाले हैं। अच्छा, तो आप इसी इलाके में रहती हैं? नहीं मैडम, यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर मेरी ससुराल है और मायका करीब 200 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब आपको भी इस इलाके के बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है? सो तो खूब मालूम है। अच्छा, दूर दूर के गांवों से लोग आते हैं मिस्टर प्रसाद से मिलने, कई बार उनसे बात करती हूँ, कई बार शादी ब्याह में जाना आना पड़ता है, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लगता है मिस्टर प्रसाद आ गए, तो चलिए फिर उनसे बाहर ही मिल लेते हैं। चल चल। नमस्कार। नमस्कार मिस्टर प्रसाद। मैम कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे नहीं, भला मिसेस प्रसाद के होते हुए हमें कोई तकलीफ हो सकती है? और आपको पता है कल आपकी गैर हाजिरी में हम आपके घर में कॉफी भी पीकर आ गए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फिर प्लांट देखने चलते हैं। मैम आप आई हैं तो एक कप चाय हो जाए? ठीक है, आइए। चलिए। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये इतना बड़ा काम अपने हाथ में लिया। मुझे मालूम है कि काम बहुत अच्छा चल रहा है। Really, it's a great achievement. अभी अचीवमेंट कहाँ है मिस्टर प्रसाद, अभी तो शुरुआत है। और जहाँ तक बधाई का सवाल है तो असली बधाई की हकदार मिसेस प्रसाद हैं। सच कह रही हूँ, इनमें मुझसे भी ज्यादा उत्साह है। लेकिन मैम इंस्पिरेशन तो आपका ही है। अच्छा प्लांट देखने चलें? पहले कुछ काम कर लेते हैं फिर चलते हैं। हाँ बताइए ना मिस्टर प्रसाद, ये बताइए कि हमारे मिल के दायरे में आने वाले कुल क्षेत्र में कितने ब्लॉक होंगे? जी ये कुल मिलाकर 18 होंगे। तो अगर हम हर एक ब्लॉक में एक शिक्षा समिति बना दें तो कैसा रहेगा? नहीं मैम, ये ब्लॉक जो है ये काफी बड़ा होता है क्षेत्र इसका। समिति हमें हर पंचायत की अलग बनानी होगी। तो आप हर एक ग्राम पंचायत में एक एक समिति बना दीजिए। हाँ पर ध्यान रखिएगा कि उस समिति में जो खास लोग हों वो हमारे मिल के कर्मचारियों में से ही हों। ठीक है, और हर एक ब्लॉक में एक एक महिला कोऑर्डिनेटर बना दीजिए, और हमारी मुख्य कोऑर्डिनेटर का काम तो मिसेज प्रसाद निभाएंगी ही। बजट की चिंता आप बिल्कुल ना करें, दैट्स माई हेडेक। थैंक यू मैम, मैं ये सारा काम आज ही से शुरू करवा देता हूँ। ठीक है। कहाँ कहाँ घूम रहे तुम लोग, बोर तो नहीं हुए? अरे नहीं बिल्कुल भी बोर नहीं हुए, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सभी मजदूरों के पढ़ लिख जाने से तो उनके जीने का अंदाज ही बदल गया है, और बच्चों को भी बहुत लगन से पढ़ाया जा रहा है। तुम्हें पता है सभी औरतों में पढ़ने का इतना एंथुसियाज्म है कि मैं बता नहीं सकती। ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो इसी बहाने में पढ़ लिख तो गए। अच्छा क्या मजदूर अपनी बीवियों को पढ़ने लिखने देंगे? क्यों नहीं पढ़ने देंगे, जरूर पढ़ने देंगे। हमने तो पूरे इलाके की 18 ब्लॉकों के सभी ग्राम पंचायतों में एक एक शिक्षा समिति बना दी है, और मैंने पूरी जिम्मेदारी मिसेस प्रसाद को सौंप दी है। वो हर हफ्ते जाकर सभी महिला कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग करेंगी और सारी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगी। मगर इतनी कमेटीज के अंडर जो क्लासेस चलाए जाएंगी उसमें तो बहुत खर्चा आएगा, और काम के घंटे कम करने की वजह से वैसे भी मिल नुकसान में चल रही है। उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, मैं सारा बजट माँ जी के वाचस्पति ट्रस्ट से ले लूंगी, और मैंने पहले ही उनसे बात कर ली है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा हाँ, सुबह 5 बजे चलने का प्रोग्राम है, तुमने पैकिंग कर ली है? हाँ कर ली है, और मैंने ड्राइवर को भी 4:45 बजे बुला लिया। कैसा रहा तुम लोग का ट्रिप? बहुत एंजॉय किया। और अक्षय का लिटरेसी मिशन कैसा चल रहा है?
वो भी बढ़िया चल रहा है। मजदूरों के चेहरे पर जो खुशी है उसे हमारे मिशन के सक्सेस का प्रूफ मिलता है। अच्छा, दादाजी को बताया तुमने? अभी नहीं। मामा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो। मामा, मैं अक्षय के लिटरेसी मिशन को महिलाओं तक ले जाना चाहती हूँ और उसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। पूजा, हमारी ट्रस्ट में भगवान का दिया बहुत सारा पैसा है, तुम जितना चाहे ले सकती हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये पैसा हमेशा अच्छे कामों में खर्च होना चाहिए। थैंक्स मामा। और सुना बिटिया, कैसा रहा तेरा गांव का दौरा? अब तो सब कुछ बदल गया होगा। पहले मैं जब तेरी दादी के साथ जाया करता था तो सड़कें भी नहीं बनी हुई थी, गांव में बिजली का तो सवाल ही नहीं उठता, बहुत दूर से मिलों के लिए तार खींच कर लाए गए थे। अब तो बेटा जमाना ही बदल गया है। दादाजी, अब तो बहुत अच्छी सड़कें बन गई हैं और बिजली भी पूरे इलाके में है, चारों तरफ हरियाली, ताजी हवा, हम लोग तो रोज सुबह उठ के घूमते थे। अच्छा, शकुंतला तो कभी गई नहीं होगी? अब जाऊंगी पिताजी। पिताजी, आपको मालूम है ऋचा ने बहुत बड़ा काम शुरू किया है, इसने अक्षय के नक्शे कदम पर चलकर गांव की औरतों में साक्षरता अभियान शुरू किया है। अच्छा, अरे वाह बिटिया, बड़ा नेक काम है बेटी, समाज में आज ऐसे लोग बचे ही कहाँ हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करें। परमात्मा तुझे इस काम में सफलता प्रदान करे। हाँ, केन कमिश्नर का नंबर मिला? जल्दी कीजिए, अभी मैं गेस्ट हाउस में हूँ, फिर मुझे जाना है, जल्दी प्लीज। हाँ कमिश्नर साहब, गुड आफ्टरनून सर। जी सर। हाँ ठीक है सर। हाँ 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 सर, वो मंडे के अपॉइंटमेंट के लिए कह रहे थे ना आप? सर मंडे को चेयरमैन साहब को जाना है। हाँ मैं फिर भी बात करता हूँ उनसे। जी सर। हाँ मैं गेस्ट हाउस से बोल रहा हूँ सर। अच्छा सर, वो मैंने फाइल भेजी थी जो आपके पास, आई होप इट मस्ट बी इन ऑर्डर। जी सर। अच्छा ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ फिर। राइट, थैंक यू सर। अरे आइए आइए नेताजी, लौट कर वापस कैसे जा रहे हैं? नमस्कार। आइए बैठिए। कैसे आना हुआ? आपने तो कमाल कर दिया, क्लासेस में इतनी हैवी अटेंडेंस की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा वो प्रार्थना आप क्या कह रहे थे अपनी? सर, जब अक्षय बाबू ने हमारी प्यासी जिंदगी को एक सामान बना दिया तो क्या हम बादल बनकर बरस भी नहीं सर? मैं खूब, बहुत खूब। सर, अक्षय बाबू ने हमारे मेहनत कश हाथों में कलम पकड़ा कर हमारी जिंदगी से अंगूठों के धब्बों को हमेशा के लिए हटा दिया है। इतना ही नहीं, हमारे घर की औरतों को भी पढ़ा लिखा कर उन्होंने हमारा घर संसार ही बदल दिया। लेकिन सर, सोचता हूं कि हमने मिल को क्या दिया, लाखों का घाटा। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं नेताजी, अगर सचमुच इतनी ऊंची आपकी सोच है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? सिर्फ एक प्रार्थना और है। हाँ बताइए ना। कल कुछ मजदूर साथी आए थे, मुझे मिले थे जी, उनकी एक इच्छा है कि कल से हम जो अब तक 8 घंटे की शिफ्ट में 7 घंटे काम करते थे और 1 घंटा पढ़ते थे, तो अब मजदूरों की इच्छा है कि
हम 8 घंटे मिल में काम करेंगे और 1 घंटा पढ़ाई के लिए जो अतिरिक्त है वो हम मजदूरों का होगा, वो मिल का नहीं होगा। याद है बेसंत वे अपने मनीषी, विश्व भर को स्वयं के दर्शन दिए थे, ज्ञान और विज्ञान का आलोक पाकर विश्व मानव के मलिन मन खिल उठे थे। स्वर्ग में वो सोचते क्या आज होंगे, ज्ञान को जो धर्म अपना मानते थे। आइए हम राष्ट्र को शिक्षित बनाए, अज्ञान के संताप को दिल से मिटाए। आज यदि ऐसा नहीं हमने किया तो होगी ये उन देवताओं की अवज्ञा। आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराएं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आज दोहराए प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा, आइए हम आज दोहराए प्रतिज्ञा।